अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको सिखा रही हूँ लाहौरी फ़िश फ्राई। तो इस फिश में जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमें क्या क्या चाहिए ना। पानी चाहिए, इसका मैंने बैटर बनाना है। उसके लिए चार मेरे पास फ़िश हैं, मीडियम साइज़ की हैं, ये चार फिशेज हैं इसके अंदर। और ये यहाँ की सुरमई फ़िश होती है, सुरमई नहीं सॉरी, ये शहरी फ़िश वो है। तो चार, ये एक किलो है, मतलब सवा किलो है, सवा किलो फ़िश है। और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून चिली पाउडर लिया है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मिर्चें कम ज़्यादा, नमक और सॉल्ट, मिर्चें और सॉल्ट जो दोनों हैं वो आप अपनी तरफ उससे ले लें। इसमें 1 टीस्पून चिली पाउडर है, मैंने 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट लिया है, 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून डेढ़ खाने का चम्मच मैंने इसमें गार्लिक लिया है, 1.5 टेबल स्पून इसमें गार्लिक है। और लेमन, मैंने जो छोटे वाले लेमन होते हैं वो 4 लेमन्स मैंने लिए हैं, उसका जूस निकाल लिया है। और ये अजवाइन है हमारे पास 1/2 टीस्पून जो अजवाइन ली है मैंने भर के, एक आप चाट मसाले का 1 टेबल स्पून चाट मसाला है और 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। और इसमें जी हमने फूड कलर चाहिए मुझे, येलो कलर का है, वो ऑरेंज कलर का वो फूड कलर है। अब आगे बनाना शुरू करते हैं कि हमने अपना जो बेसन है इसका बैटर बनाते हैं। इसके अंदर पानी डालते हैं ज़रा सा। ये मैंने 7 टेबल स्पून जो है ना बेसन है, इसमें ये सारी चीज़ें डालते जाएंगे। चिली चली गई, लेमन वाटर चला गया, गार्लिक चला गया, अजवाइन है, चाट मसाला है, गरम मसाला चला गया, और ये फूड कलर है हमारे पास। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, चाट मसाला अच्छा लगता है इसके ऊपर, बाद में बनने के बाद भी अच्छा लगता है और बीच में भी मिक्स कर दें। ये कलर चला गया आपके पास, येलो कलर, ऑरेंज कलर, वट एवर जो भी कलर है वो आप डाल दें, उससे आप टेस्ट कलर अच्छा आएगा। ये हो गया, ज़रा सा लिक्विड करते हैं, ज़्यादा गाढ़ा ना हो और ना ज़्यादा पतला हो इसको, बस ऐसे मीडियम आपने उसमें रखना है कि ये इस पर चिपक जाए, कि बह भी नहीं बिल्कुल और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो कि बिल्कुल ही हैवी फील हो आपको। ठीक है, ये डाल दिया है आपने। अब जो मेरे पास फिश है, मैंने ये फिश को ना नमक लगा के धो लिया था अच्छी तरीके से। वैसे मैं ये करती हूँ, ये मैंने आपकी वजह से आपको बताना था, तो मैंने नहीं तो मैं ये सारा ऐसा बना के अपने फ़िश को अच्छी तरीके से नमक लगा के धो के वो आप इसमें डिप कर दें। डिप करने के बाद आप इसको किसी भी बैग में भरें या कंटेनर में भर के इसको डीफ्रीज कर दें, डीप फ्रीज़र में फ्रीज कर दें इसको। और जी कोई भी आपका गेस्ट आ रहा है या आपने बनाना है तो जल्दी से बॉयल राइस के साथ आप फ़िश के जितने पीसेज आपने ट्रे में लगा दें ताकि आराम से निकालने में आसानी होती है, और वो निकालें और इसको फ़िश फ्राई करें, उसके 2 पीसेस 3 पीसेस जितने भी आपने फ्राई करने करें और वो इंजॉय करें। तो उससे ये होता है कि आपका 3-4 दिन अगर इसमें अच्छा हुआ हुआ है, मैरिनेट हुआ हुआ है चिकन, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर ना इसको मैरिनेट करने में, कि अभी हम 2-3 घंटे रखें इसको, वेट करें। मैं जैसे इसका 2-3 घंटे इंतज़ार करूँगी कि ये ज़रा कुछ अंदर तक इसका जो मसाला है वो चला जाए, मैक्सिमम आपको 2 घंटे तो दें, वरना तो वैसे मसाला लगा के फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अंदर तक आपको खुद अच्छा टेस्ट उसका करना है तो उसमें टाइम, जितना टाइम देंगे वो उतनी अच्छी बनेगी। तो मैं अभी इसको कवर करके रख देती हूँ, फिर इसके बाद हम निकालेंगे इसको। मैंने इसकी आंखें निकाल ली हैं, कुछ लोग इसकी आंखें भी चूसते हैं खाते हैं, लेकिन मैंने तो वो साफ़ कर लिया है ऊपर से, और इसको कवर करके ना हम रख देते हैं, तो 3-4 घंटे बाद फिर मैं आपको इसका दिखाऊँगी। देखिए मैंने रख दिए 2 घंटे, वैसे इसको आप दो दिन रखें, जितने दिन मतलब पहले लगाएंगे इसका मसाला उतना अच्छा आएगा। तो ये मैरिनेट कर ली है हमने, अब इसको ना फ्राई करते हैं फ़िश को। अच्छी खासी फ़िश हो गई, सही मसाला लग गया है इस पर, अब इसको फ्राई करके दिखाती हूँ मैं। घी देखें, मैंने अपना ऑयल जो भी है, आप जो सा भी ऑयल यूज़ करें, ये मैंने ऑयल अपना रख दिया फ्राई गर्म होने के लिए।
अब आपने फिश के ऊपर देखिए ये इतना गाढ़ा होना चाहिए, ये इतना गाढ़ा होना चाहिए कि उस पर कोट भी हो गया और गिर भी नहीं रहा, डर नहीं रहा। आँच को हल्का कर देते हैं, पहले गर्म कीजिएगा ऑयल और जब ज़रा सही गर्म हो जाए तो फिर उसके बाद उसकी आँच हल्की कर दें। दूसरा स्लाइस भी चले जाता है कि चीज़ी। अब जब ये गर्म हो जाएगा सही तरह, एक तो हो गया, दूसरा भी जब ये हो जाएगा हल्की आँच पे तो मैं आपको दिखाती हूँ फ्राई करके निकालती हूँ। जी देखिए हमारी जो वो है फ़िश फ्राई हो गई है, लॉरी फ़िश फ्राई कर ली है मैंने। इसको आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और तो चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे तो उससे मुझे ये पता चलता रहेगा कि आपको मेरी वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रही हैं। और जी थम्स अप करें ताकि पता चले कि अच्छी लग रही हैं आपको। दुआओं में याद रखें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो और रेसिपी को इन्जॉय करें। थैंक यू।